सो गाइस मेरी सुबह हो गई कैफ, तो कब का उठ के नमाज के लिए भी चले गए। और मैंने कुत्ते साथ ही मशीन लगा लिया क्योंकि अम्मी ने चादर दिए थे धोने के लिए, वो लगाया। और कैफ का बर्थडे गिफ्ट मैंने बहुत अभी उठी नींद में से वैसे ही सोची कि क्या दूँ क्या दूँ क्या दूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी चेन दिया था तो मैंने ये बोला था कि बर्थडे गिफ्ट है, बट बर्थडे पर भी तो कुछ देना बनता है ना। तो मैं अभी एक जगह कॉल लगाई हूँ, मैंने कुछ मंगाया है फ़ोटोज़, अगर वो आते हैं और मुझे अच्छी पसंद आती है तो मैं वो ले लूँगी, वरना मैं कहीं और चेक करूँगी। तो अभी कोई बात नहीं, तो फटाफट मैं फ्रेश फ्रेश होती हूँ। देखो मैं ऐसी उठ के ऐसी आप लोग से बात कर रही हूँ, फटाफट फ्रेश होती फिर आप लोग से बोलती हूँ। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। सो गाइस, सबसे पहले आप सभी को जुम्मा मुबारक, और अल्हम्दुलिल्लाह जुम्मा की नमाज़ पढ़कर भी आ चुका हूँ, कुरान शरीफ की तिलावत भी हो चुकी है। और बस अभी मैं आया तो मैंने देखा शिरीन है ना घर के अंदर, ना अम्मी के वहाँ से कल उसने एक चादर लाई थी बड़ी, ओपनिंग भी कर ली। चलेगा कोई बात नहीं, वो शूट दिखा देंगे पहले फिर बाद में ओपनिंग कर लेंगे, कोई बात नहीं। तो आपने वो चीज़ तो देख ली है, और नाश्ता लेके आ गया हो। तो हम लोग का कैसा हो गया ना कि नाश्ता हम लोग नमाज से पहले नहीं, नमाज हो जाने के बाद सब चीज़ों से फारिग होने के बाद हम बैठ के नाश्ता करते हैं, यानी दोपहर के खाने के वक्त हमारा नाश्ता होता है। तो बस अभी नाश्ता करते फटाफट से, और पिछले ब्लॉग का एंड नहीं किया है मैडम ने, बोली थी रात को मिलेंगे बट मिली नहीं, सो गई। ठीक है, अब ब्लॉग का एंड करके एडिट करके अपलोड पर डालता हूँ, बाय द टाइम हमारा नाश्ता भी रेडी हो जाएगा, नाश्ता करके फिर इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं। और आज मुझे थोड़ी बहुत तैयारी करनी है, जो कल चीज़ें आप लोगों को पता चलने वाली है, यानी नेक्स्ट व्लॉग में ही ना, जो चीज़ें पता चलने वाली है वो नेक्स्ट व्लॉग में ही पता चलेगी ना। हाँ, तो यानी कल मेरा बुरा दिन है, ठीक है, तो उस बुरे दिन के दिन पे हम कुछ डिस्क्लोज़ करने वाले हैं गाइस, तो उसकी तैयारी में लगे पड़े हैं हम। ठीक है, अभी मैं ये सब चीज़ों से फारिग होकर इंशाल्लाह फिर जाकर मैं थोड़ी तैयारी जो करनी है वो करवा लूँगा, और फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं, हम लोग सब बने रहिए। सो गाइस, इतने दिन के बाद पहनी हूँ मैं डेनिम जीन्स, इतने दिन से मैंने पहनी ही नहीं, इतने दिन से मैं क्या मालूम क्या क्या पहन रही थी, मेरे को खुद ही नहीं समझ रहा था। और आज इतने दिन के बाद मैंने ये शर्ट वर्ट पहना है, और अभी बस जा रहे, एक्चुअल में कुछ काम से जा रहे थे, और सीन ऐसा है कि मेरा दिमाग इतना ख़राब हो गया ना, तो लिफ्ट ही बंद है यार, घर से निकली लिफ्ट बंद है, और चादर जो सुबह धोई थी वो सूख गई क्योंकि धूप अच्छी खासी थी, तो अच्छा ड्रायर भी करके मैंने रखी थी तो सूख भी गई है अभी चादर। देखो सारी दुनिया का बोझ हम उठाते, तो पहले अम्मी के यहाँ जाना है, फिर अम्मी के यहाँ से निकलेंगे जाएंगे आगे जो काम से मुझे जाना है, तो चलो चलते हैं। सो गाइस, हमारी कुछ दिन की सवारी निकल रही है, जा रही है हमें छोड़ के, ला 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 ला, आई लाइट लाइट आई लाइट आई लाइट आई लाइट आई, ठाकुर जी आई, ओ ठाकुर जी देखे गए, मजे ले लिया मैंने, जा रही है हमें छोड़ कर, अलविदा अलविदा अलविदा। अभी तक ना हमारा काम भी हो गया होता है, ये आदमी के चक्कर में इतना बड़ा काम आया था मेरे हाथ में, हो गया था जो काम का पेमेंट लेके हाथ में कैप जा रहे, दिखाओ तो पूरा वीडियो उल्टा आने वाला है, तो ये सीधा तुम कर देना, कैमरा भी गंदा ये छोड़ो। तो गाइस, मैंने अम्मी को बोली थी कि ना एक काम से जाना था, अम्मी बोले लो जाओ ना, अम्मी को चालू हो गया था, मतलब जाके देख के तो आने दो, गाइस के लिए कुछ ले रही हूँ, मैं कुछ नहीं ले रही, मैं मेरे लिए देख रहा हूँ, पर अम्मी ने मना करा, अम्मी बोले नहीं लेना, उधर देखी हूँ मैंने, ये देखी वो देखी, तो बेसिकली गाइस मैं जा रही हूँ गोल्ड की शॉपिंग करने के लिए मेरे लिए, तो हाँ मेरे लिए देखो, हाँ मेरे लिए, हाँ तो मेरे लिए ही ले रही हूँ मैं, तो रिक्शा से जाएंगे भाई, यार क्यों रिक्शा से जाना है, बाइक पे नहीं, मैं बाइक से जाऊंगी, मैं जाऊंगी नहीं, लेके जा बाइक की चाबी नहीं है मेरे, ठीक है। तो बस अभी निकलते फटाफट जाते हैं वहाँ पर, मैंने एक इयर रिंग दिखा रहे भैया जी हमारे ऑफिस वाले, तो देखते हैं वो अगर मिल गया इयर रिंग मुझे तो मैं वही लूँगी, वरना फिर देखते हैं कैसे है। गाइस ये आदमी ने तो होशियारी किया, क्या क्या हमारे ना, हम लोगों ने एड्रेस पूछना था, मराठी आदमी मैंने इतने
इसने क्या क्या मालूम है, मतलब हम लोग ना एड्रेस पूछ रहे थे ज्वेलर्स का, तो उतने में ना हम लोग एक गली में घुस गए। अभी गली आप देख सकते हो कितना खचड़ पचड़ है, ठीक है। तो ना वहाँ पर ना वहाँ पर एक आदमी खड़ा था, तो उसको ना भाऊ इकड़े ते ज्वेलर्स कुठे आए करके, कॉलोनी का नाम पूछा उसने, कॉलोनी का नाम पूछा, तो कॉलोनी वाले ने बोला कि हाँ हाँ यही है। रुक जाओ गाइस, हम लोग पहुंचे, मैं बाद में बताती हूं। अरे यार वो सब लेना है मेरे को, क्या मालूम कहाँ मिलेगा। तो गाइस अभी कैब को छोड़ दी, वहीं से लेना कैंप से, तो कैब को मैंने छोड़ दिया और ये ज्वेलर्स के पास आई थी। ज्वेलर्स इतना एड़ा बना रहा है, 500 रुपया मेकिंग ले रहा, 500 रुपये, बाप रे 500 रुपये मेकिंग कौन देगा। तो फिर मैंने बोली कि नहीं यार, और वो वर्थ भी नहीं था, और वो कान का नॉर्मली भी मुझे मिल जाता। अमित भाई के यहाँ ही, अम्मी को अमित भाई के यहाँ जाना पड़ा। अभी मैं पहले ही सोची थी अमित भाई के यहाँ जाऊँगी, बट अम्मी की वजह से मैं जा नहीं पाई। अभी मैंने कैसे बोला कि तुम चलो अम्मी के यहाँ पर, क्योंकि कुछ काम है अम्मी के यहाँ पर, तो अम्मी बुला रहे कंटिन्यू। बोले ना जान तुम जाओ, मैं आती हूँ बाद में, मेरे पहले मेरा काम फ्लिप डालू, क्योंकि मुझे मेन सरप्राइज देना कैफ को, और कैफ को कोई आइडिया नहीं है, तो मैं 12 बजे ही दे दूँगी रात को, नहीं तो फिर मैं छुपा पाऊँगी तो छुपा लूँगी, वरना देखते हैं। लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। तो चलो कोई ना, बस कैफ को बोला है कि तुम जाके सामान वामन क्या है देख लो, मैं आती हूँ पीछे से। तो जा रही हूँ मैं कैफ के लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट लेने, तो आप लोग को भी वहीं मिलती हूँ। पलट पलट के देखिए लड़का, पलट पलट बाजू में आके रुक गया। जा तो सकते हो तुम यहाँ से, घूम के जा रहे हो मेरे लिए, यहाँ से बहुत लंबा पड़ेगा मेरे को, ऐसे सीधा सीधा मारूंगा, सिग्नल से राइट मारूंगा, पहुंच जाऊंगा। ठीक है, लाफेस, ओके बाय, आई लव यू। सो गाइज, शिरिन का तो आपको पता है, वो चली गई है चीता कैंप, और मैं आ गया हूँ रिटर्न घर। मैं जा रहा हूँ अभी अम्मी के वहाँ, कोई एक काम है जो शाम को पटा काम, उसके बाद एक और काम आया, तो जाते अभी फटाफट और काम पटाते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा मेरे को टैली वगैरह करना है, वो भी करके फारिग हो जाऊँगा, फिर इंशाल्लाह आपसे मिलकर सुबह ले रही वीडियो। सो गाइज, मैंने फाइनली कैफ के लिए गिफ्ट ले लिया है। मैंने उसको कॉल करके बोला कि मैंने कुछ भी नहीं लिया है, और मैंने गिफ्ट ले लिया, और मैं उसको ऐसे तो मैं रात को ही उसको गिफ्ट दिखा दूंगी, बट आप लोग को वो नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। और बहुत उज्जत उज्जत करके भी मैंने ले लिया, और अच्छा है मैं अमित भाई के यहाँ ही, क्योंकि मुझे तो अमित भाई के यहाँ ही मिली मुझे मेरे तरीके वाली जो चीज़ मुझे चाहिए थी। बट सीन ऐसा ना, उसमें थोड़ा सा डायमंड है, और डायमंड रहता ना तो अम्मी को पसंद नहीं आता, तो भी मैंने फिर मेरे को अच्छी लगी, मुझे थोड़ी हटके लगी। वो नॉर्मली एक रिंग थी जो कैफे पास पहले भी थी, वैसी अम्मी ने दिए थे शादी में कैफ को, तो मैंने बोला कि यार ये सेम सेम हो जाएगी तो मतलब का नहीं है। और वो वाली रिंग पता नहीं कहाँ चली गई, वो मतलब लाइक शादी में जो दिए थे अम्मी ने, पता नहीं कैफे वो रिंग किधर रखे, किसको दिए, क्या दिया, आई डोंट हैव एनी आइडिया। तो मैंने बोला छोड़ो, ये वाली मैंने ले लिया, मैंने मेरे उंगली में डाला, आई जस्ट होप कि उसको बराबर आ जाए, जस्ट होप कि उसको बराबर आ जाए, और कुछ नहीं, मुझे बस ऐसा चाहिए कि उसको बराबर आ जाए वो रिंग। मैंने उसको अभी कॉल किया, मैंने बोला कि मैंने कुछ भी नहीं लिया है जान, मैं बस उसके अमित भाई के पास गई, मैंने ना थोड़ा बहुत देखा सामान, मेरे को कुछ समझ आया, मैं बोली बाद में आके देख लूँगी। तो अमित भाई बोले ओके फाइन, तो क्या बोला ठीक है चलेगा, तो आराम से आ जाए। मैंने ठीक है, तो अभी बस मैं निकल चुकी हूँ घर के लिए, और बस अभी घर के यहाँ पहुँचती हूँ, फिर आप लोग से मिलती चल खोल। सो गाइस, अभी खाना वाना खाया अम्मी के लिए, हमारे लिए, सबके लिए। मेरी हालत है वो काजल वाजल आधा अधूरा हो चुका है, सब कुछ आने के चक्कर में मेरे साथ वो खोल रहा था ना, सब आधा अधूरा हो चुका है, और एकदम हालत टाइट हो चुकी है, बस नींद आ रही है अभी बहुत। और अभी बस निकले हैं, अम्मी को भी खाना ऑर्डर करते हैं, क्योंकि अम्मी घर, अम्मी तो खाना नहीं बना रहे, अम्मी का खाना, अम्मी खाना नहीं खा रहे आजकल, तो उसी के लिए फिर मैंने ना अम्मी के लिए एक बर्न गार्लिक नूडल्स मंगाई, क्योंकि अम्मी वो शौक से खाते हैं, तो मंगाई थी, सब अम्मी खाए, समदानी भी खाए, समदानी मजा है। हाँ। कितना मजा है बहुत। तो ठीक है अभी बस ना, इसको भी फर्स्ट फ्लोर पे मतलब ऐसे घर के अंदर छोड़ के हम भी निकल रहे हैं घर पर। सो गाइस, अभी हो रहा है 11:41, और कैफ के लिए मैंने केक भी ऑर्डर कर लिया है, और अभी रात के लिए कटिंग के लिए, और ऐसा सीन है कि मैं रात को ही कैफ को गिफ्ट दे दूंगी ओपन करके, आई जस्ट वॉन्ट टू सी हिज रिएक्शन। सो मैं पहले नहीं दूंगी, पहले 12 बजे मैं विश करूंगी, क्योंकि मुझे माने में केक को आने काफ़ी टाइम लगेगा, इसीलिए मैं क्योंकि थोड़ा लेट हो गया मुझे ऑर्डर करने में, जस्ट बिकॉज अम्मी यहाँ से उतरे, फिर उतर के अभी मैंने ऑर्डर किया, तो वो आने टाइम लगेगा, तो
कोई बात नहीं, मैंने ऑर्डर तो कर लिया, आप सब कुछ देखोगे नेक्स्ट व्लॉग में गाइस। सो बस ये वीडियो यहीं खत्म होता है, अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, प्यार देते रहना, प्यार बढ़ाते रहना। इंशाल्लाह मिलेंगे जल्द एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़ गाइस, लव यू ऑल, कीप सपोर्टिंग। यहाँ देखो लाइट गई थी तो कैप आया यहाँ पे चिपलक भगाने के लिए, मैं बेडरूम में कपड़े रखने जा रही थी, जैसे ही मैंने चिपलक लेके ऐसे भाग गई, मेरा बीमार हो गई उसके लिए, कैप गई सच में गई, कैप झाड़ दे सब तेरे चले झाड़ दे, बहुत डर लग रहा है, वो मेरे को चक्कर आ रही है चिपलक के सब देख के। पक्का मरी गए, मैं जाऊंगी ही नहीं बैलगनी में झाड़ को पानी डालने। पक्का गई, बाहर निकल गया। एक काम करो अभी, हाँ अगर अंडा बनेंगे ना, अंडे का छिलका है ना गंदा ही, हाँ वहाँ पे रख दो कोने में, नहीं आएगी उससे, अंडे का छिलका डाल दो। खिड़की खुली रखा था ना इसने, हाँ अभी अंडे का छिलका डाल दो, सब तुम्हारे विंडोज पे अंडे का छिलका डाल के छोड़ दो, उससे चिपलक नहीं आएगी।